हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम आईएमयू सिटी एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आईएमयू कैंपसेस में कैसे अपना एडमिशन लेते हैं आप। ठीक है, पूरा प्रोसेस डिस्कस कर रहे होंगे। एग्जांपल के तौर पे हम आईएमयू कोलकाता का प्रोसेस लेंगे। सेम प्रोसेस होता है जितने भी कैंपस आप बाकी देखेंगे, चाहे आप चेन्नई कैंपस की बात करें, चाहे कोचिन, चाहे विशाखापट्टनम, चाहे मुंबई कोर्ट कैंपस और नवी मुंबई कैंपस। ठीक है, सबका एडमिशन प्रोसेस नियरली सेम रहता है। एक दो चीज कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि देखो अब बीएससी नॉटिकल साइंस या डीएनएस में एडमिशन लेने जा रहे होंगे तो वहां पे आपकी आईस का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ से। ठीक है, बाकी सारी चीजें लगभग सेम हो रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो बंदे हैं मेरे पास, जैसे अमन है आईएमयू कोलकाता का, सेकंड ईयर है अब तो, और किशन सेकंड ईयर और आईएमयू कोलकाता कैंपस है, सेम है। ठीक है, अमन का 10,000 रैंक आया था, बच्चों ने पूछ रहे थे मेरी 10,000 आई तो आईएमयू कोलकाता मिल सकता है नहीं, तो अमन को मिला हुआ है। किशन का 600 रैंक आया था और इसको भी आईएमयू कोलकाता कैंपस सेम मिला हुआ है। ठीक है, तो हम इनसे ही पूछेंगे कि कैसे इनको हमारा कॉलेज मिला। ठीक है, तो किशन तुम अपना एक बार थोड़ा सा स्मॉल इंट्रो दे दो भाई। मेरा नाम किशन कुमार है और मेरी रैंक आईएमयूसीटी 622 थी और मैं जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ था और मेरे को फर्स्ट चॉइस मिल गई थी, क्योंकि मेरी फर्स्ट चॉइस आईएमयूसीटी कोलकाता थी, तो मेरी फर्स्ट चॉइस। ठीक है, तो अच्छा सेकंड चॉइस क्या थी आपके? जैसे कुछ भरी होंगे ना, जैसे काउंसलिंग में वो आती है, सबको पता होता है ना, प्रायोरिटी लिस्ट आती है, जैसे कि पहला कॉलेज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये है। जैसे अगर हमारा कॉलेज नहीं मिलता तो फिर कौन सा चूज कर रहे थे आप? सर, मैंने काउंसलिंग में बस एक ही कॉलेज फिल किया था, क्योंकि मेरे को डीएनएस में इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को बस बेसिक बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना था और उसमें मेरे भैया ने बोला था कि कोलकाता बेस्ट है, तो मैंने एक ही कॉलेज फिल किया था काउंसलिंग में। अच्छा, ठीक है अमन, तुम भी थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। हेलो एवरीवन, दिस अमन, करंटली सेकंड ईयर एट आईएमयू कोलकाता। मेरी आईएमयू सीटी में रैंक थी 10,000 एंड अबव, मतलब कि मेरी 10,000 समथिंग थी। मेरी प्रेफरेंस में मेरी सबसे फर्स्ट चॉइस में ही मेरी कोलकाता थी, सेकंड चॉइस मैंने चेन्नई और फिर थर्ड में मुंबई डाली थी। बट बाय लक मेरे को कि जो मैंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डाला था मेरे को वही मिल गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, किशन ने सिर्फ एक ही कॉलेज भरा था क्योंकि उसकी 622 रैंक थी और उसके भैया ने बोला था कि दूसरा कोई मरीन इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज नहीं लेना है और बाकी उसको किसी और क्या बोलते हैं कैटेगरी या फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था। और अमन ने 3-4 प्रायोरिटी भरी थी, पहला आईएमयू कोलकाता कैंपस था और बाकी चेन्नई कैंपस था, फिर मुंबई कैंपस था, बाकी उसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी ही अपनी मिल गई, तो ज्यादा कुछ फर्क उससे आया नहीं भरने से। ठीक है, पर आप लोग अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, जैसा भी आप कॉलेज में बच्चों से बात करते हैं, उन लोगों से बात करके अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लो, क्योंकि जरूरी नहीं है पहली मिल जाए आपको, पर 90% चांस आपको मिल जाती है, जैसे कि पिछले साल हुआ है। ऐसा पहले नहीं होता था, क्योंकि पिछले साल इतनी मिस इन्फॉर्मेशन थी और लोगों के पास जानकारी नहीं थी चीजों को लेके, तो जो मतलब बच्चे थोड़े इन्फॉर्म थे और लकी थे उन्होंने ले लिया जो उनको कॉलेज चाहिए था। ठीक है, तो फिर हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग का प्रोसेस, मतलब स्टार्ट से क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे 4-5 चीजें होती हैं, किशन तुम बता दो अपना, जैसे कि मैं बता देता हूँ थोड़ा सा उनके बारे में, तुम बताना। जैसे कि पहले तो काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उससे पहले तुम्हें कुछ पेमेंट करनी होती है, उसके बाद जब तुम्हें कुछ सीट मिल जाती है कहीं पे तो उसके बाद कुछ पेमेंट करनी होती है, फिर तुम्हारा मेडिकल होता है, फिर तुम कॉलेज में जाते हो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं, तो वो थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में करके बता दो आप तुमने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले काउंसलिंग लेटर फिल करने के लिए तुम 10,000 फीस पेमेंट करनी होती है, उसके बाद तुम डिसाइड करो प्रायोरिटी डिसाइड करोगे तुम्हें कौन सा कॉलेज चाहिए और तुम किस किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, और फिर उसके बाद एक लिस्ट आएगी, फर्स्ट लिस्ट उसको बोलते हैं, उसमें अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम्हें एक और मेल आएगा जिसमें तुम्हें 25,000 फीस पेमेंट करने को बोलेंगे फॉर द सीट रिजर्वेशन, और फिर तुम अपना मेल रेगुलरली चेक करते रहना, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे या तो वो आईएमयू की वेबसाइट पे होगी या हर एक कॉलेज के इंडिविजुअल वेबसाइट है उस पे या तुम्हारे मेल पे आएंगे। तो फिर क्या उसके बाद एक लिस्ट ऑफ डॉक्टर की आती है जो कि डीजी शिपिंग अप्रूव्ड होते हैं, तुम्हें वहां पे जाके अपना फुल मेडिकल चेकअप करवाना होता है, और फिर वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट, तुम्हारे 10th 12th मार्कशीट और
कुछ एनेक्स भी आते हैं 5, 6, 7, 8, 9 उन सबकी फोटो कॉपी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल तुम्हें एट द टाइम ऑफ एडमिशन कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो थोड़ा सा ब्रीफ हो गया। अच्छा तुम मेरे को बता दो यार मेडिकल में क्या क्या चेक हुआ था तुम्हारा, मतलब बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं क्या क्या चेक होता है। फ्लैट फुट चेक हुआ था क्या? नो सर, मेडिकल में फर्स्ट चेक होता है तुम्हारी आईसाइट, सेकंड वेट हाइट और ब्लड ग्रुप और ये ईसीजी और कुछ कुछ और डिपेंड करता है वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, किसी में कुछ ज्यादा भी होता है किसी में कुछ कम भी करते हैं, लेकिन लास्ट में तुम्हारी आईसाइट मेन चेक करते हैं और ईसीजी रिपोर्ट चेक करते हैं। अच्छा हाँ, मेरा भी फ्लैट फुट चेक नहीं हुआ था, मतलब मैंने जितने लोगों से बात करी अभी तक किसी का फ्लैट फुट मैंने नहीं सुना कि उसका फ्लैट फुट चेक हो रहा हो, बाकी बहुत लोग पूछते हैं फ्लैट फुट है मेरा तो क्या करें उसका। बाकी मेरे को तो आइडिया नहीं है कि इसमें मर्चेंट नेवी में इतना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा है नहीं, मतलब जितने लोगों को मैं जानता हूँ लोगों का किसी का भी चेक नहीं हुआ है। चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट वही हियरिंग वाला होता है तुम्हारा, ईशिहारा टेस्ट आता है जिसमें आप कलर ब्लाइंडनेस चेक कर लेते हैं और फिर वो आईसाइट हो गई तुम्हारी, या फिर टूथ भी चेक करते हैं कि नंबर ऑफ एडेबल टूथ है या नहीं, और कुछ एक चीजें और होती हैं जो चेक कर लेते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, और भी दो चार सलाइवा टेस्ट भी आता है कई जगह ले लेते हैं। मतलब जितने तुम्हारे पैसे कितने लगे थे किशन, कितने पैसे लिए थे तुमसे? सर फुल मेडिकल रिपोर्ट का 2000 अप्रॉक्स लगे थे। ठीक है, तो तुम्हारा कम टेस्ट होंगे, जैसे मैंने 4500 दिए थे, तो मेरे ज्यादा ज्यादा बहुत सारे टेस्ट हो गए थे फालतू में, फुल बॉडी चेकअप टाइप का हो गया था। अमन तुम्हारे कितने लगे थे? ये सर ये डिपेंड करता है कि कौन से हॉस्पिटल और सर वही डिपेंड कर जाता है सर। अब जैसे मेरे सर 5600 हुआ था सर टोटल पूरे के उसके लिए मिला के। अच्छा हाँ, जो क्या बोलते हैं जो तुम्हारे एनेक्सर्स होते हैं वो किस किस लिए होते हैं यार, थोड़ा सा एक ब्रीफ आईडिया दे दो क्या क्या होता है उसमें, लोग पूछते रहते हैं एनेक्सर एनेक्सर, बट उसमें होता क्या है, मतलब किस लिए होता है? सर टोटल 4, 5, 6, 7, 8 और 9 एनेक्सर होते हैं सर। जो फोर्थ स्टार्टिंग से अगर हम देखें सर, फोर्थ जो एनेक्सर होता है वो लेटर ऑफ इंडेमनिटी होता है कि मतलब कि ट्रेनिंग और कॉलेज के अगर टाइम तुम्हें भी कुछ भी हो तो वो फिजिकल डैमेज हो गया, पैड हो गया, या कुछ टाइप के स्टेप की हो गई, यस यस सर, तो उसका जिम्मेदार सर कॉलेज नहीं होगा सर, ये सबसे पहला इस चीज के लिए होता है। सर जो एनेक्सियर 5 होता है सर, वो कैडेट नेक्स्ट ऑफ कीन एड्रेस होता है सर, ऐसी फॉर्म फिलिंग का और उनके डिटेल्स के रिगार्डिंग होता है सर। फिर सर जो एनेक्सियर 6 होता है वो कैडेट का कोड ऑफ कंडक्ट वाला होता है सर, कि जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट होने वाले कॉलेज में सर उस रिगार्डिंग। फिर सर जो एनेक्सियर 7 होता है वो सर एक कैडेट के और कैडेट के पेरेंट्स के अंडरटेकिंग्स होते हैं जो उनको फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें क्या कहते हैं वो कोई भी एक इलीगल या कुछ वैसे टाइप का काम ना कर रहे हो जो कि अलाउड नहीं होता है। जैसे रैगिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, इस टाइप की चीजें जो भी कॉलेज के रेगुलेशन में है। जिसमें कोर्ट के स्टैम्प पेपर होना जरूरी है, उसमें एनेक्सियर 8 एक जो स्टूडेंट होता है उसका होता है। कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक उस टाइप का होता है कि कुछ गलत काम नहीं करना है या फिर कुछ तुम्हारे साथ जाता है तो कॉलेज का जिम्मेवार नहीं है, इस टाइप की चीजों लीगल इश्यूज होते हैं सिर्फ एनेक्सर में। पेपर वर्क कोर्ट के पेपर को बनवाना होता है ना, 100 रुपए का वो आता है शायद सर, एक 100 रुपीज वाला होता है और एक 50 रुपीज वाला होता है जो पेरेंट्स के, और जो मतलब कि एफिडेविट है सर वो हमारा होगा सर 50 रुपीज वाला, और जो हमारा सर सबसे पहला मतलब कि जो हमारा लेटर ऑफ इंडेमनिटी होता है सर वो 100 रुपीज वाला। अच्छा सर, अमन तुम्हारी 10,000 रैंक थी तो मतलब तुम्हारा क्या प्रोसेस था काउंसलिंग में स्टार्ट से, काउंसलिंग का फॉर्म भरा उसके बाद क्या क्या किया जैसे?
सर मेरा अगर मेरा स्टार्टिंग से हो तो सर सबसे पहले जब सर रैंक लिस्ट आ गई थी तो सर उसके बाद 10,000 हमसे भरवाया था, जिसमें हमें बोला हुआ था कि अगर हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया तो हमें उसमें 9,000 रिफंड हो जाएगा और 1,000 उसके टैक्स और फीस में काट के वो लोग रख लेंगे सर। फिर उसके बाद सर हमारा सर दो लिस्ट आया था, जिसमें क्या कहते हैं उन्होंने दो लिस्ट निकाला था और मेरा उसमें भी नहीं हुआ था। बट सर उसके बाद हमसे उन्होंने पहले ही हमारा जब कॉलेज का नाम वाम कुछ नहीं आया था हमसे उसी टाइम उन्होंने सीट का 25,000 ले लिया था। बोला था कि बाय चांस अगर तुम्हारा हो जाएगा कि मतलब कि तुम्हारा 25,000 होने से तुम्हारी चांसेस और थोड़ी बढ़ सकती है कि हाँ तुम्हारा अभी नाम आ सकता है। तो सर और उसमें ये भी मेंशन किया था अगर हम ये 25,000 हम जमा करेंगे तो ये हमें पूरा का पूरा रिटर्न मिल जाएगा अलॉन्ग विथ पहले के 9,000 रुपीज सर। तो टोटल सम ऑफ 34,000 हमें मिल जाने थे। तो सर उसके बाद सर हमारा सर जब एडमिशन नहीं होता तो वापस लाने देते थे अगर कहीं नाम नहीं। यस सर। तो सर जब हमने सर मैंने सर अपना सर 25,000 रख दिया था तो सर उसके अप्रोक्सीमेटली सर 15 डेज बाद वापस एक और लिस्ट आई थी सर जिसमें नाम आ गया। और सर ये सब जनरल कैटेगरी में हुआ था सर। अच्छा, तुम लोगों की क्लासेस वगैरह काफी लेट स्टार्ट हुई थी ना इसकी वजह से? यस सर, अप्रोक्सीमेटली सर 1 month बाद सर। अच्छा, तुम्हारा फर्स्ट उसमें आया था, क्या बोलते हैं, वेटिंग लिस्ट में आया था? यस सर। और उसके बाद सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आई थी, मतलब तुम्हारे से नीचे रैंक वाले बच्चों को भी मिला था कॉलेजेस? यस सर, हमारे बाद सर एक और वेटिंग लिस्ट आई थी जिसमें उनका कुछ औरों का भी हुआ था सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो काउंसलिंग लिस्ट हुई थी पिछले साल, मतलब जैसे आप कट ऑफ देखोगे ना पहली लिस्ट और सेकंड लिस्ट, तो मैं भी देख रहा था वो 700 के आसपास कुछ खत्म हो जा रही थी, 800 के आसपास, इंटरनल कैटेगरी बात कर रहा हूँ। पर अगर आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार करोगे, क्योंकि कॉलेजेस की सीट कभी नहीं भरती है, स्टार्ट में कॉलेजेस अपना क्या बोलते हैं स्टेटस बहुत ऊंचा रखता है और वो सब, पर बाद में जब सीट नहीं फिल होती है तो फिर वो सीट भरने के लिए कुछ करता है। सेम विद एनआईटीज में, आपके टॉप के एनआईटीज हो गए उनमें भी सीट फिल नहीं होती, आईआईटीज हो गए, तो बाद में एक स्पेशल राउंड या स्पॉट राउंड निकालते हैं जिसमें 1 लाख रैंक वाले, 1.5 लाख, 2 लाख रैंक वाले बच्चे भी एडमिशन ले लेते हैं। तो सेम यहाँ पे भी होता है कि जैसे कि ऊपर वाले बच्चों का एडमिशन हो गया और सीट बहुत सारी वेकेंट रह गई, तो फिर वो वेकेंट सीट नहीं जाएगा क्योंकि कॉलेज ही नहीं चल पाएगा अगर सीट वेकेंट जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि वो स्पॉट राउंड की जगह यहाँ पे कहते हैं क्या बोलते हैं वेटिंग लिस्ट राउंड हो गया तुम्हारा, उस टाइप से राउंड आते हैं, तो उसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हो और पूरा पैसा रिफंडेबल होता है। सिर्फ 1,000 रुपए लगते हैं आपके काउंसलिंग के, ठीक है, बाकी 9,000 रुपए वो भी वापस जाएंगे, 25,000 रुपए जो आप दे रहे हो वो भी पूरे कंप्लीट वापस हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, अमन इसके बाद यार ये बता दो कि जो तुम्हारा कॉलेज में गए थे तो तुम्हारा सबसे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो क्या क्या थे, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने थे कॉलेज में? सर कॉलेज में सर जितने भी एनेक्सर इन्होंने दिए थे सर वो लेके जाने थे। फिर सर 10th और 12th के सर ओरिजिनल मार्कशीट्स लेके जाने थे सर। फिर उसके बाद हमें सर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज मेन होती है सर, जब इनका ये अभी निकला है जो सर प्रोविजनल रैंक लिस्ट रैंक सर्टिफिकेट सर, वो सर काफी कम टाइम के लिए रहता है, मतलब कि वेबसाइट में भी सर सिर्फ 7 दिन के लिए रहता है, तो वो एक सेव करके रख लेना चाहिए सर, क्योंकि वो कॉलेज में ले जाना कंपलसरी होता है सर, अगर वो नहीं होगा तो उसके बाद कॉलेज एडमिशन देने से ही सर मना कर सकता है सर, ऐसा हो जाता है सर। तो सर वो एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाता है। फिर सर उसके बाद पासपोर्ट एक और मेन चीज आ जाता है जिसमें सर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है सर। और फिर यस इतना ही सर। अच्छा, डॉक्यूमेंट की कितनी कितनी फोटोस्टेट लेके जानी होती है, बच्चे भूल जाते हैं फोटोस्टेट? सर मिनिमम 2 सर, मिनिमम 2, मतलब 3 करवा के हर डॉक्यूमेंट की फोटोस्टेट रखवा के रख लें। यस सर, जैसे तुम्हारे 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, तुम्हारा आधार कार्ड हो गया, तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अगर रिजर्वेशन है तुम्हारे पास, या फिर जनरल कैटेगरी के बच्चों को नहीं लगता ना सर्टिफिकेट शायद? नो सर, जनरल का सर्टिफिकेट नहीं होता, एससी एसटी और ओबीसी के एक स्पेशल कैटेगरी होता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और अगर आप स्पेशल स्टेट वाला रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वहां का डोमिसाइल वगैरह शो करना पड़ता है आपको, तो उन सबके 3-3 सर्टिफिकेट, 3-3 आप फोटो स्टेट करवा सकते हैं। और उसके बाद आपका क्या बोलते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, वो एक बड़ा सा, वो भी पूरा डाउनलोड करवा कर लें और उसका फोटो स्टेट निकाल लें एक दो,
और क्या उसके बाद एक और होता है ना, क्या होता है पासपोर्ट का, तो कुछ ऐसा एडमिशन के टाइम काम नहीं होता था, तो कॉलेज जब स्टार्ट होता है तब इंडोर्स होता है, तब बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। नो सर, एडमिशन टाइम भी सर, अगर उस जब एडमिशन टाइम प्रोसेस में अगर उस टाइम जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते सर, अगर उस टाइम ऑन हैंड अगर हमारे पास पासपोर्ट नहीं होता, तो वो कंपल्सरी कंपल्सरी सर वो मांगते कि हमने पासपोर्ट बनाने के लिए अप्लाई कर रखा है, तो सर वो अप्लाई वाला पेपर भी मांगते सर, जो फॉर्म पासपोर्ट ऑफिसर साइन करके देता है। यस, बाकी ऐसा कुछ लीगल डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा होता है जितना मेरे को याद था, हमारे टाइम में होता कि मैंडेटरी नहीं लिखा रहता था, अगर है तो अच्छी बात है, पर कॉलेज में जाके बहुत हेक्टिक होती है, मैं तो कहूंगा बनवा लो तो अच्छा है। सर पिछले साल लिखा हुआ था सर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने लिखा हुआ था कि पासपोर्ट होना जरूरी है, अगर नहीं है तो अप्लाई कर दो तत्काल के अंदर सर। अच्छा तो ठीक है, अब से तो भाई मैंडेटरी हो गया हमारे टाइम के बाद, 2020 बैच से तो मैंडेटरी है, तो जो भी है इस टाइम बच्चे वो सब अगर ज्वाइन करना चाह रहे हो मर्चेंट नेवी वगैरह किसी भी कॉलेज में, तो अपना पासपोर्ट तत्काल में अप्लाई करते हैं, जैसा भी आपको समझ आता है कि आपके पापा गवर्नमेंट वगैरह जॉब में तो उन लोगों का जल्दी बन जाता है, आर्मी में है तो भी जल्दी बन जाएगा, PSUs में है तो जल्दी बन जाएगा, पॉलिटिशियन वॉलिटिशियन है, नेता है, MLA वगैरह तो भी जल्दी बन जाएगा, ठीक है, तो काफी लोग जल्दी बन जाता है, बाकी तत्काल में अप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि तो पुलिस वेरिफिकेशन में ही ज्यादा टाइम लगता है, तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं फिर क्या बोलते हैं क्या पॉलिटिशियंस होते हैं जो आप कह सकते हो MLA वगैरह, तो उन लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है काफी हद तक, ठीक है, तो उनका ये टाइम बच जाता है, उनका बाद में आता है क्योंकि उनके पेरेंट्स का ऑलरेडी हो चुका होता है पुलिस वेरिफिकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जॉब मिलती है उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होना था आपका एडेड में, तो वो आप बच सकते हो उससे अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब या फिर PSUs में काम करते हैं कहीं पे भी, या फिर आपके पेरेंट्स के पास पासपोर्ट है ऑलरेडी तो उनका भी जल्दी बन जाता है, ठीक है, वो सब काफी फास्ट हो जाता है उन लोगों का प्रोसेस वहाँ पे। पासपोर्ट मैं तो कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत जल्दी बनवा लो जितना हो सकता है, और तीन तीन फोटोस्टेट निकलवा लेना हर चीज का, और कोई चीज भाई जो कॉलेज ले जानी हो इम्पोर्टेंट हो भूल रहे हो तुम कुछ भी हो, किशन तुम्हें कुछ लगता है मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और कॉलेज लेके जाना चाहिए? तो जितने भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होते हैं एडमिशन टाइम उनकी एक लिस्ट आ जाती है तुम्हारे मेल पे, और कॉलेज भी अपने साइट वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं कि इस डेट पे, मतलब हमारे टाइम कोविड प्रोटोकॉल के कारण एक और लिंक था कि तुम्हें इस डेट पे आके एडमिशन का प्रोसेस कम्प्लीट करना है, तो उस वो शायद इस बार भी फॉलो हो क्योंकि अभी भी कोविड का वही सीन है, तो वो तुम्हें डेट और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं वो पहले ही मेल पे आ जाता है। अच्छा अच्छा, तो मेल मतलब रेगुलर चेक करते हैं और वेबसाइट भी, दोनों चीज को बिल्कुल रेगुलरली चेक करते हैं? यस सर, मेल और कॉलेज की वेबसाइट और IMU तीनों चीज, और रैंक लिस्ट बहुत जल्दी वैनिश हो जाएगी और सीट अलॉटमेंट, तो इन दोनों को जिन्होंने करवा लिया है रैंक लिस्ट तो आई गई है, तो रैंक लिस्ट नहीं सॉरी रैंक सर्टिफिकेट जो आपका उसको डाउनलोड करके रख लें, प्रिंट करवा लें, और सीट अलॉटमेंट लेटर भी मेरे को लगता है काफी जल्दी वैनिश होता है, तो उसको भी जब वो आएगा तो उसको भी डाउनलोड करके रख ले, है ना। अच्छा हाँ, कई बार सारे बच्चे पूछते हैं मेडिकल या कॉलेज एडमिशन के बाद करवा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कॉलेज के बाद नहीं होता, तुम्हारे बैच में हुआ था क्या कि कॉलेज के बाद मेडिकल करवा रहे हो, मतलब जो मेडिकल सर्टिफिकेट DG अप्रूव्ड डॉक्टर से बनवाना है वो कॉलेज के बाद करवा सकते हैं कॉलेज के एडमिशन से पहले? मेडिकल सर्टिफिकेट उसके बाद ही एडमिशन। यस सर, और सर मेरे में तो सर जो मैंने DG शिपिंग के डॉक्टर के उनके थ्रू किया था सर, उधर कॉलेज में जाके उधर भी एक डॉक्टर ने पूरा का पूरा मेरा उसी चीज को वेरीफाई किया था कि जो इन्होंने बनवाया वो सही है या गलत है सर। अच्छा, तुम्हारा चेक भी हुआ था कॉलेज में हमारे? यस सर, कॉलेज में जाने के बाद भी हुआ था सर चेक। अच्छा, CMO ने चेक किया हुआ, चीफ मेडिकल ऑफिसर ने, गुड डे हैं? यस सर, यस। अच्छा अच्छा, तो वेरीफाई भी होती हैं चीजें, मतलब क्या क्या चेक किया था तुम्हारा, आईज वगैरह चेक करी थी क्या कर रहे हैं? मतलब सर डॉक्यूमेंट चेक करते हैं सर, अगर डाउट होता है तो वो कुछ चीज फिर पूछ भी लेते हैं सर उस रिगार्डिंग। अच्छा अच्छा, तो मतलब कितना पहले मेडिकल करवा लेना चाहिए फिर भी, ऐसे बच्चे पूछते हैं कि काउंसलिंग के बाद करवा सकते हैं या नहीं, काउंसलिंग से पहले करवा सकते हैं या नहीं?
सर जैसे ही डॉक्यूमेंट का लिस्ट आ जाता है कि मतलब कि जैसे ही कॉलेज लिस्ट का आ जाता है कि हाँ इस कॉलेज में हो गया है और अपना डॉक्यूमेंटेशन और ये सब, सर उसी टाइम वो फिर सर मेल में उनके ये भी आ जाता है कि क्या कहते हैं कि उनको अपना मेडिकल करवाना है, तो सर उसी टाइम स्टार्ट कर देना सर ज़्यादा सही रहता है सर। मैंने भी उस जब मतलब मैंने तो पहले ही करवा लिया था, जिस दिन मेरा मेडिकल कंप्लीट हुआ था उसी दिन मेरा वो आया था, मतलब बाद में आया था, उसके शाम को आया था मेरा कि अब सेलेक्ट हो गए हो। तो मैं तो कहूँगा सही सही रैंक है आपकी, अगर 1000 के अंदर हो तो लगभग आपको सारे कॉलेज मिल जाने हैं, तो आप लोग तो करवा ही लो अपना मेडिकल, और कन्फर्म हो कि मुझे इस फील्ड में जाना है, कोई खास इशू नहीं आने वाला आपके साथ। ठीक है, और आई साइट का लोग बोलते हैं मेरी आई सही है नहीं, तो उसके लिए क्या मतलब, मैं तो कहूंगा डायरेक्टली डीजी अप्रूव डॉक्टर को कांटेक्ट कर लो किसी भी, फटाफट आपकी आई चेक कर देगा, उसमें कोई इशू होगा तो बता ही देगा। और जैसे अमन तेरे चश्मा लगा हुआ है तो मतलब कितना नंबर था तेरा जैसे? सर वैसे जो चश्मा के लिए होता है सर, जो चश्मा पहनते हैं सर उनके अलाउड में सर 6x9 अलाउड होता है सर, और उससे ऊपर वाले सर अनफिट होते हैं। बट सर इसमें सर हमारे पास ऑप्शन है कि हम लेसिक करवा के उसको हाँ सही कर सके, और फिर सर लेसिक के बाद वापस मेडिकल करवाने के बाद अगर हमारी आईसाइट उस क्राइटेरिया के अंदर हो रही है तो सर हम फिट हो जाते हैं सर। हाँ जैसे वो तो जो तूने बोला ना 6x9 वो बीएससी का, हमारे लिए 6x12 और 6x18 तक अलाउड होता है, बेटर आई 6x12 होनी चाहिए और 6x18। जैसे तेरा नंबर कितना है समझ, जैसे ऐसे ही चश्मा है बस, कुछ है इसमें प्रोटेक्शन सर प्रोटेक्शन के लिए सर। के लिए? यस ठीक है, तो मतलब जितना मेरे को आइडिया है भाई, कॉलेज में जाने के बाद कोई मेडिकल वेडिकल नहीं होता है, और कॉलेज ऐसा चांस नहीं देता है। ठीक है, वहां पे आपको अपने पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा कि मेडिकली फिट हूँ मैं, और मेरा लेसिक वेसिक जो भी करवाना है कॉलेज से लगभग पहले ही करवाना होता है उसे। अगर आपको इश्यू लग रहा है एज वेज की वजह से घर वाले मना कर रहे, तो एक बार अपने कॉल IMU से मतलब कॉन्टेक्ट कर लो उस बारे में, बीएससी बीटेक वाले बच्चे या फिर जिस भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप एडमिशन लेना चाह रहे हो वहां पे कांटेक्ट करके देख लो, तो वो लोग बता देंगे तुमको कि क्या क्या प्रोसेस है, अगर एक्सेप्शन बचते हैं इसके इसमें, क्योंकि 3 साल या 4 साल का आपका कोर्स रहेगा तो वहां पे क्या पता कॉलेज आपको अलाउ कर दे, पर मेजोरिटी केस में लोग ऑलरेडी फिट होके जाते हैं वहां पे, ऐसे नहीं जाते। अच्छा, कोई किशन कोई टिप देना चाहोगे जो मतलब बच्चे तुम्हारे साथ, तुम्हें लगता है कि काफी हैक्टिक चीज थी, स्ट्रेसफुल चीज थी, वो मैंने नहीं करी होती तो उसकी वजह से काफी चीजें कितनी आसान हो जाती? सर मेन तो यही है कि जितने भी डॉक्यूमेंट है उसकी दो दो फोटो कॉपी लेके जानी, और जितने भी डॉक्यूमेंट है एज अर्ली एज कंप्लीट कर लो, क्योंकि वहां पे जाके बहुत कुछ टाइम नहीं मिलता कि ये भी डॉक्यूमेंट करना है वो वाला। ऑल दो कॉलेज टाइम देता है कुछ कुछ डॉक्यूमेंट पे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है डायरेक्टर सर को, और वो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट के लिए जैसे NX 9 और 8 के लिए अलाउ कर देते हैं कि तो हमें अलाउ किया था हमारे टाइम पे कि तुम एडमिशन के 20 20 डे के अंदर अंदर सबमिट करना है तुम्हें वो कॉलेज में आके। मतलब डॉक्यूमेंट्स को टाइम से बिल्कुल कंप्लीट कर लेना चाहिए लोगों को, बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि भाई देखो जितना मुझे याद है अगर वो कुछ टाइम देते हैं ना 20 दिन, तो फिर तुम अचानक से करवाने लगते हो सारे डॉक्यूमेंट, तो पैसा ही बहुत खर्च होने लगते हैं, फालतू के खर्च हो जाते हैं पैसे। जितना मेरे को आइडिया है जो काम 2000 में होगा तो तुम 4 5 हज़ार रुपये खर्च कर रहे होगे, और जल्दी में कई बार डॉक्यूमेंट तुम सही भी करवा रहे हो वो भी गलत हो जाता है, फिल करने में गलत हो गया। तो टाइम से अपना बिल्कुल जिस दिन डेट्स आए उसी दिन जाके सारे डॉक्यूमेंट निकलवा लो जो भी होने हैं, और उनको प्रिंट करवा लो या फिल करना है तो फिल कर लो उसी डे वन पे ही फिल कर लो। रमन तुम बता दो भाई, तुम्हें कोई चीज बहुत एक्टिक लगी हो इसके लिए, तुम जैसे नहीं करा होता तो ऐसा कोई काम जो तुमने कर दिया और नहीं करना चाहिए था? सर मेरा सर मतलब कि मेरे प्रोसीजर में सर सबसे हार्ड और सबसे हैप्टिक टाइप में हो गया था सर, एक मेरे पासपोर्ट का और सर दूसरा सर प्रोविजनल रैंक सर्टिफिकेट का सर हुआ। पासपोर्ट में सर ये इशू आ गया था कि लास्ट टाइम में डॉक्यूमेंट और लास्ट टाइम में हमारा सर वेटिंग लिस्ट वाले में मेरा नाम आया था, तो उस टाइम हमें टाइम भी हमें काफी कम दिया था, 15 डेज का ओनली टाइम दे रखा था कि हमें 15 डेज के अंदर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज जाके करवाना है। तो सर उस केस में थोड़ा सा वो हो गया था कि पासपोर्ट भी बनवाना है, फिर उसके बाद उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना है ये सब सर। फिर उसके बाद सर इन सब चीजों में सर मेरा सर प्रोविजनल रैंक सर्टिफिकेट जो अभी निकल रखा है सर वो चीज मेरा रह गया था सर, मतलब कि मेरे को पता नहीं था कि सर वो करवाना है, और सर मैंने उसकी जगह सर जो कॉलेज अलॉटमेंट वो था सर मैं वो दूसरा वाला लेके चले गया था। तो सर उधर उन्होंने जाके जब मेरे से मांगा था तब सर
उस टाइम सर प्रेशर और इन सब चीजों की वजह से मेरे मोबाइल में था पर मिल भी नहीं रहा था, तो सर इसी चीज का सर ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसकी सर, ये पहले से ही काफी कल ये जो आपका रैंक लिस्ट है सॉरी रैंक सर्टिफिकेट है वो लेके चले जाओ, और आपका दूसरा क्या बोलते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर वो प्रिंट करो। यस यस, और पासपोर्ट का भी रहता है भाई, कभी बनवा लो सबके साथ पासपोर्ट, वरना बहुत हैक्टिक रहती है कॉलेज के अंदर। इंडॉक्स भी आपका स्टार्ट हो जाता है मतलब फर्स्ट 20 डेज या 15 डेज में, हम लोग के टाइम में फर्स्ट 15 डेज में होता था इंडॉक्स, जैसे कॉलेज स्टार्ट हुआ इंडॉक्स स्टार्ट हो जाता था। बाकी देखो यस हमारा भी सर स्टार्टिंग में ही हो गया था सर इंडोर्स वाला फॉर्म। इंडोर्स का सर हमारे लगभग सर हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का हमें डेट दिया गया था सर 15 दिसंबर का, और सर हमारा सर इंडोर्स का सर अप्रोक्सीमेटली सर 18 दिसंबर को सर हमारा आ गया था कि अपना वो करवाए इंडोर्स। यस सर, चलो। और जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये प्रायोरिटी क्या होती है काउंसलिंग लिस्ट कैसे भरना होता है, तो बता दो मैं तो क्वेश्चन तुम बता दो, मैं तो आसान से ही लगता है कोई है नहीं कॉलेज तुम्हें पहले से प्रायोरिटी और काउंसलिंग बोलो। बेसिकली यही होता है कि तुम्हें तुम कौन से कॉलेज में और कौन सा सब्जेक्ट तुम चूज करना चाहते हो, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। जैसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मेरे को बीटेक करनी है वो भी IIM कोलकाता से, और अमन की अलग अलग थी, जैसे उसकी सेकंड में थी DNS, मतलब अगर ये नहीं मिला तो ये वाला कोर्स करना है। तो काउंसलिंग रिस्क और प्रायोरिटी यही है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट फील्ड चूज करना है। वही है जैसे कि अब मैं एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि आपने एक बुगाटी वेरॉन है, जो भी गाड़ियां आपके वोक्सवैगन है, कई सारी ऑल्टो तक आपकी गाड़ियां सीक्वेंस में लगी हुई है, अब सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो आपसे पूछेंगे कौन कौन सी लेना चाहते हो, रैंक के हिसाब से मिलेगा, तो आप पहले तो वही भरोगे जो सबसे अच्छी है, और उसके बाद वो भरोगे जो आपको दूसरी सबसे अच्छी लगती है, फिर उसके बाद तीसरी सबसे अच्छी भरते है, उस हिसाब से भरते हुए चले जाओगे कि ये नहीं मिली तो ये ले लूंगा, ये नहीं मिली तो ये ले लूंगा, ये नहीं मिली तो ये ले लूंगा, ठीक है। और काउंसलिंग का मेन काम क्या होता है, जैसे कि आपने लिस्ट भर दी, वो एक जनरल काउंसलिंग ये होती है कि ऐसे सिंपल स्टेट भरते चले गए, जो फर्स्ट रैंक आया उसको दे दिया, सेकंड आया हो गया, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है बच्चों का जैसे एडमिशन लेते ही नहीं है वो, ठीक है काउंसलिंग में तो फिल कर दिया उन्होंने, पर वो एडमिशन लेने नहीं आते वहां पे कॉलेज में, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे एक गाड़ी खाली छूट गई या एक जगह खाली छूट गई, तो फिर पीछे वाले बच्चे को आगे डाल दिया जाता है उसके बाद, ठीक है समझ गया। जैसे 25,000 रुपए सीट रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, वो नहीं दिए किसी बच्चे ने, तो जो सेकेंड लिस्ट आती है वो ऐसे नहीं आती कि उस बच्चे की सीट भरी हुई है, वो बच्चे की सीट अब खाली हो चुकी है, अब उसके लिए भी दोबारा से जो दूसरा बच्चा है वो फिल कर सकता है, ठीक है। दूसरे बच्चे को प्रमोट कर दिया जाएगा, तो सेकंड प्रायोरिटी मिली है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी की तरफ डाल दिया, अगर वो जो सीट वैकेंट हुई है अगर वो किसी बच्चे की फर्स्ट प्रायोरिटी है तो वो सीट उसको मिल जाएगी, अगर आपने सीट रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं दिए हैं, ठीक है। हिसाब से होता है, फाइनली कई बच्चे एडमिशन भी नहीं देते, जो अमन के केस में हुआ था कि बहुत बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया या फिर कॉलेज की सीटें खाली छूट गई किसी वजह, तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट वाली रैंक निकलती है, ठीक है, वो एडमिशन प्रोसीजर के जस्ट बाद निकलती है, ठीक है। तो 10-15 दिन 20 दिन आप थोड़ा कॉलेज लेट स्टार्ट करोगे, पर वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो समझ रहे हैं। तो काउंसलिंग फिल करना सही से वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से भरिए, ठीक है, मतलब कॉलेज काउंसलिंग में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन, लगता है लगभग पूरा प्रोसेस हमने कवर कर लिया है, या कुछ बच रहा है? यस सर, सही इतना ही है ना, और तो कुछ है नहीं, सर बस एक लास्ट में एक अपग्रेडेड लिस्ट आती है जिसमें अगर कॉलेज चेंज होना हो तो वो भी हो जाता है, मतलब किसी को सेकंड चॉइस मिली है और अपग्रेडेड लिस्ट में फर्स्ट हो जाती है। हाँ वही डिस्कस कर लिया ना कि सेकंड लिस्ट आई तो अपग्रेड हो गया, थर्ड लिस्ट आई तो अपग्रेड हो गया, अगर सीट वैकेंट है तो अपग्रेड। तो फिर से बता देता हूँ, देखो क्या होता है, पहली लिस्ट आती है उसमें जो बच्चों ने अप्लाई कर दिया काउंसलिंग के लिए, जैसे फर्स्ट रैंक अप्लाई नहीं किया तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जो बच्चे अप्लाई करते हैं काउंसलिंग के लिए 10,000 रुपए देके उनको लिस्ट आती है, पहली लिस्ट कि ये आपको कॉलेजेस मिल चुके हैं। फिर एक सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, या तो पहले लिस्ट के जो बच्चे थे जिनका हो चुका है काउंसलिंग में वो सबके सब 25,000 रुपए दे दें, ठीक है, तो जो पहली लिस्ट के सारे बच्चे थे उनकी सीट भर जाएगी, परंतु अगर किसी बच्चे ने उसमें से 25,000 रुपए नहीं दिए तो वो सीट खाली हो जाएंगी, तो वो सीट प्लस जो बची बाकी सीट है उनके कैंपस की वो दोनों मिला के सेकंड लिस्ट में काउंसलिंग होती है, ठीक है।
और जैसे आपका थर्ड प्रायोरिटी आपको पहली लिस्ट में मिल गया, ठीक है, तो आपको 25,000 रुपये देने पड़ते हैं, पर वो सेकंड लिस्ट में अगर आपकी कहीं से सीट मिल रही है, खाली हो जा रही है किसी वजह से, तो वो अपग्रेड हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है, उसमें आपको दोबारा 25,000 रुपये नहीं देने, पर पहली लिस्ट आने के बाद 25,000 रुपये देने होते हैं। और नाम ही नहीं आया आपका तो कोई इशू नहीं है, सेकेंड लिस्ट में नाम आया तब आपको 25 देने पड़ेंगे, थर्ड में नाम आया तब देने पड़ेंगे, फोर्थ, हमारे टाइम में तो 1, 2, 3, 4 होता था, इनके टाइम में 1, 2 और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट एंड सेकेंड वेटिंग लिस्ट, इस टाइप से था, ठीक है, पर पैसे आपको देने पड़ते हैं जब भी आपकी नाम आया था, पर वेटिंग लिस्ट वालों क्या होता है, उन्हें नाम आने से पहले देना पड़ता है पैसा, ठीक है। मैं बना दूंगा एक वीडियो, ठीक है, अपग्रेड कैसे होता है, ठीक है, बार बार समझा नहीं पा रहा हूँ, लगभग काफी बच्चे समझ के होंगे, पर किसी को नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पूरा वीडियो फिर से बना दूंगा, अपग्रेड होता है कैसे, क्या हिसाब किताब है, ठीक है।